नमस्कार, आप देख रहे हैं आज हट न्यूज खोर पटना से है। इस वक्त राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी पटना के हाई प्रोफाइल रूपेश हत्याकांड मामले में पटना पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पटना एयरपोर्ट पर तैनात इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रूपेश सिंह की हत्या के पीछे रोडरेज का मामला बताया जा रहा है। पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने बताया कि रोडरेज के विवाद में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि जिस शख्स ने इस घटना को अंजाम दिया है, उसने जीवन में पहली बार गोली चलाई। पटना एसएसपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपराधी ऋतु राज ने बताया कि वह अपने पास एक साल से हथियार रखता था। उसने जिंदगी में पहली बार गोली चलाई। जब उसने रूपेश के ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसाई तो उसने देखा भी नहीं कि कितनी गोली उसके बंदूक से चली। मीडिया कर्मियों के सवाल का जवाब देते हुए आरोपी ऋतु राज ने बताया कि उसके साथ तीन अन्य साथी भी थे जो इस हत्याकांड में शामिल थे, लेकिन रूपेश के ऊपर उसी ने गोलियां बरसाई। उसने यह भी बताया कि जो भी साथी उसके साथ रूपेश को मारने गए थे, उन्होंने फायरिंग की या नहीं उसने देखा भी नहीं। पटना के एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि रोडरेज को लेकर रूपेश की हत्या की गई है। पुलिस के अनुसार रूपेश हत्याकांड को लेकर जानकारी मिली है कि नवंबर 2020 में रोडरेज की एक घटना हुई थी। लोजपा कार्यालय के पास रूपेश की गाड़ी से बाइक चोर मरते मरते बचा था। एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने बताया कि ऋतुराज पटना के आदर्श नगर इलाके के रोड नंबर 2 का रहने वाला है। इसका ननिहाल 2C में है। उन्होंने आगे बताया कि जिस बाइक पर ऋतुराज बैठा था, उस बाइक को आलमगंज के चैली तार का रहने वाला एक दूसरा अपराधी चला रहा था। ऋतुराज अपाची बाइक पर पीछे बैठा था। इसके साथ पल्सर गाड़ी से दो अन्य अपराधी भी थे। तुम्हारे गाड़ी से और रूपेश की गाड़ी से टक्कर हुआ था कि नहीं? तो फिर कैसे मरते मरते बच गए थे? उनकी गाड़ी स्पीड में थी सर। और आप? बस मरते मरते बच गए। गाड़ी में और कोई था? अकेले थे? अकेले थे? एक्सीडेंट हुआ नहीं, कैसे मरते मरते बच गया? क्या आप करने क्या गए थे वहाँ पर? सर, हम गाड़ी टर्न कर रहे थे। कुछ करने गए होंगे ना, गाड़ी टर्न कर रहे थे। घर तक कैसे पहुँचे थे? पीछा किए थे? किस बात का गुस्सा था? किस बात का गुस्सा था? सर, हमको मारे बिना मतलब का गोली मार दी है, मारे दिए। आप क्या वो गाड़ी रोक कर पाए और आपकी गाड़ी रुकी थी? कैसे हुआ था घटना बता दीजिए। किसी के कहने पर घटना बताइए क्या हुआ था? उतरा बताइए क्या हुआ? क्या तुम लोग कितने लोग थे? यार तुम्हारा कैसे जाएगा? कितने दिन से प्लान कर रहे थे इसके लिए? एक डेढ़ महीने। हाँ, एक डेढ़ महीने से लगातार प्लान करते थे, पीछा करते थे डेली। मैं बोली तुम ही चलाए हो? ये बताओ, पहला एक्सीडेंट हुआ था दिवाली के पहले? हुआ था दिवाली के बाद। और तुम्हारे जो साथ में थे उनके पास भी था पिस्टल? हम देख रहे हैं। कितना गोली मारे थे? अच्छा अच्छा, ये जो आप घटना हुई थी मरते हुए जब बचे थे, तो ये कब की घटना है, याद है कुछ? दिवाली के पहले या दिवाली के बाद? नवंबर लास्ट में। हाँ। तुम जानते थे किसको गोली मार रहे हो? नहीं। कितनी गोली चलाई थी याद है? गिना था? उतना याद नहीं है, 4-5 गोली चलाए थे सर। गुस्से में तुम लगातार गोली चलाते गए? हाँ। क्या मारने के लिए और कोई गोली चलाया था? अकेले चलाए? अब इतना ध्यान नहीं है सर हमको पीछे से। कितने लोग थे आप? 4 लोग। तो आपको याद नहीं कि आपने अकेले चलाई थी और किसी को चलाया? हड़बड़ी में हमको पता नहीं चला कि कोई चलाया कि नहीं चलाया, हम चलाए थे। पैसे भी दिए गए थे? नहीं। पूरी घटना को एक बार फिर से बता दो, क्या हुआ पूरी घटना? आराम से, एक मिनट। ऐसे नहीं हो पाएगा। एक आदमी को पूछे ना सारा भैया,
जो जो बात सर बोले हैं, जो बात सर बोले हैं 100% बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम। अपना बात बताओ तुम, अपना बताओ तो पूरा कहानी बताओ। जी बताइए पूरा कहानी बताओ, कैसे कैसे हुआ। देखो मैडम कुछ पूछ रही है, मैडम कुछ पूछ रही है। माइक माइक मत बताइए। आपको पता था कि मामला सॉर्ट आउट नहीं हुआ। रांची से पट्टा क्यों लौटे? बस हम लोगों ने घटना स्थल से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर कर अपराधियों के निकलने की जगह तक पहुंचे, वहां से अपराधी को पकड़ा। अपराधी ने जो मोटिव बताया वो मोटिव चूंकि हम लोगों को याद था कि ऐसी बात एक बार पहले आई थी, तो फिर उसको हम लोगों ने कन्फर्म किया। हम लोग मोटिव को और जो विक्टिम है उसके द्वारा बताए गए कयास को मैच कराने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये हुबहू मैच करना अगर आप चाह रहे हैं तो ये आप कर सकते हैं। परिवार से जब बात हुई तो परिवार ने इस बात को इंगित किया कि ऐसी एक बात हुई थी। उस बात का होने का जानकारी परिवार को होना एक बात है, और वही बात एक विक्टिम जो अपराधी है उसके द्वारा अपने मोटिव के रूप में बताना दूसरी बात है। फॉर अस इट इज इम्पॉर्टेंट, फॉर यू इट मे नॉट बी। लेकिन पुलिस हर चीज को देखती है। जब हमारे पास ये मोटिव एक अपराधी बता रहा है और वही बात, क्योंकि जब कोई ऐसी घटना घटेगी तो जिस तरह का व्यक्ति रुपेश था, घर पर जाके आदमी बताता है कि मारपीट हुआ था, एक एक्सीडेंट हो गया था, लोग बताता है, तो ये बात जानकारी परिवार को हो जाना ये जरूर इस बात को पुष्ट करता है कि ऐसी घटना जरूर घटी थी। अगर वो नहीं बताया होता तो हम लोग के पास इस पर विश्वास करने का और कोई कारण नहीं था, बिकॉज दिस इज सच अ ट्रिवियल मोटिव। मैं दोबारा इस मौके पर आपको बताऊंगा कि घटना का कारण स्पष्ट नहीं होने के दो स्थितियां होती हैं। एक कि या तो इतना बड़ा कारण है जो सामने निकल के नहीं आ रहा, हर तबके ने, द पुलिस, द एसटीएफ, द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ सीआईडी, स्पेशल ब्रांच, मीडिया, ओपन सोर्स, जितने लोग हैं सब लोगों ने अपने स्तर से काफ़ी प्रयास किया। मैंने आपको बताया एसआईटी के माध्यम से जितने भी मोटिव्स आ रहे थे, चाहे वो मीडिया से आ रहे हों, चाहे वो ओपन सोर्स से आ रहे हों, चाहे वो हम लोग को मिल रहे हों, चाहे वो परिजनों के माध्यम से मिल रहे हों, चाहे वो शुभचिंतकों के माध्यम से मिल रहे हों, सबको वेरीफाई किया जा रहा था। लेकिन हम लोगों को लगा कि अगर कान इधर से नहीं पकड़ा रहा तो इधर से पकड़ने का प्रयास करते हैं। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द पीओ, दैट इज व्हाई टुक 22 डेज। और 22 डेज के बाद जो इन्वेस्टिगेशन हम लोग किए हैं उसमें हम लोगों को आवश्यकता नहीं पड़ती है कि इतने सेंसेशनल केस में वी विल कुक अप। ठीक है, इफ यू आर ट्राइंग, आप लोग अगर चाह रहे हैं खोजना त्रुटियां तो आप खोज सकते हैं, लेकिन बात यह है कि हम लोग के पास एविडेंसेस हैं, हम लोग के पास व्यक्ति है और व्यक्ति ने कन्फेस किया है। व्यक्ति का जो गतिविधि है वो सीडीआर के साथ, वो सीसीटीवी फुटेज के साथ मैच करता है। जिस वक्त अपराध हो रहा है उस वक्त इस व्यक्ति का मोबाइल स्विच ऑफ है, वो व्यक्ति इसी व्यक्ति का मोबाइल है, क्योंकि उस वो कैफ इसी व्यक्ति का है।